Hello students, welcome to my class. In the previous lecture we have done some types of numbers and one exercise 1.1 of the NCERT. Now there are the some types of numbers are left and we will discuss in the next lecture. And the first next type is the irrational numbers. Irrational numbers kya hote hain? रैशनल नंबर्स वी हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. अब हम करेंगे इरैशनल नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड द इरैशनल नंबर्स. जो नंबर रैशनल ना हो उनको हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स कहते हैं. वी ऑलरेडी रेड दैट द नंबर्स विच आर इन द पी ओपन क्यू फॉर्म आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स. कि जो नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में हो उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. लेकिन इरेशनल नंबर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में ना हो उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू. जो पी अपन क्यू की फॉर्म में ना हो उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी मैं. पाई. You have already read that the what is the value of the pi? Pi's value is 3.14. Pi की value हम हमेशा 3.14 जो है हमेशा फिल करते हैं, आए हैं 8th क्लास में भी. बट pi की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है? 3.14159926 एंड सो ऑन. और पता नहीं अभी कितने डिजिट्स के आगे आएंगे. ठीक है, तो pi क्या आ गया? एक इरेशनल नंबर आ गया. ठीक है, इस पाई की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो ये पूरी पूरी जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकलती, तो ये रिपीट हो रही है, बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं. तो हम इस पाई को किस में लेते हैं? इरेशनल नंबर में लेते हैं. किस में लेते हैं? इरेशनल नंबर. और भी एग्जांपल आप इरेशनल नंबर की ले सकते हो, लाइक अंडर रूट 2, ये भी इरेशनल नंबर है. अंडर रूट 3, ये भी इरेशनल नंबर है. अंडर रूट 5, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है. लेकिन रिमेंबर इट कि अगर अंडर रूट 9 आ जाए तो यू नो वेरी वेल कि अंडर रूट 9 का जो अगर हम रूट निकाले तो ये सॉल्व होकर 3 रह जाता है, अंडर रूट के अंदर नहीं रहता. तो इस ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? रेशनल नंबर है. इसका आपने ध्यान रखना है. बाकी सभी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिनका, तो वो सभी वैल्यूज क्या है? रेशनल है. ठीक है, इरेशनल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक कंसेप्ट में आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ डेसिमल्स.